उसमें पापा दूल्हे राजा बने हुए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं मेरे पापा। अरे साथ में मेरी सहेली, इसी टाइम पे मेरी शादी हुई थी, तो आपको पता होगा 16-17 साल में मेरी शादी हो गई थी। ये बहुत जेलस हो रहा है कि तूने नहीं बैठना था गोदी में, मैंने बैठना है। आलू को थे जाने कल बालू लागो दो माता, थोड़ा तो मोटापा भी कम हो जाएगा। हाँ, पर हो ही नहीं रहा है। नहीं होगा धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे होगा। नहीं बोल सर आप जान में 10 सूटिंग माँ। सही बात है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवाण ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से, और अभी तक मैंने सुबह के पूरे काम धाम निपटाए और अब जाके ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सवाल के जवाब दे देती हूँ। काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे, कमेंट करके पूछ रहे थे कि बीच में एक दिन ब्लॉग क्यों नहीं आया। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, हेडेक भी हो रहा था, बॉडी पेन हो रहा था, बुखार भी आ रहा था, सब चीज़ एक साथ हो गई, तो मतलब इतनी ज़्यादा गंदी हालत हो गई कि मैं ब्लॉग एडिट ही नहीं कर पाई, इसीलिए आप लोगों तक मेरा ब्लॉग नहीं पहुँचा। तो मेरे सर में पूरा तेल लगा हुआ था, चम्पूसी बनी हुई थी, तो इसीलिए मैंने अभी नहा धो के ब्लॉग स्टार्ट किया है। और कब से मम्मी भी आवाज़ लगा रही है गौशाला से, क्योंकि मम्मी लोग जा रखे हैं घास के लिए, तो आगे हैं घास से, तो कमली को पानी पिलाना होगा, तो उसी के लिए मुझे आवाज़ लगा रही है कि पानी पिलाने के लिए आ जा। तो चलते हैं गदेरे में और मम्मी से भी मिलाते हैं आपको, और सिंगर चाची से भी मिलाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम ले जा रहे हैं अपनी कमली और काली को पानी पिलाने के लिए, और यहाँ पे हमारी मातश्री भी। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, कैसे हो आप लोग, सब ठीक ठाक। इसकी भैंस मारने भी आ रही है पीछे से, क्या करूं, अभी उसने मार दिया मेरे को। जब भैंस ले जाते हैं कैसी आवाज लगाते हैं? भैंस न ले रे। हाँ, इसका मतलब होता है कि इसका मतलब होता है कि कोई दूसरा भैंस मत लाना, अभी हम लोग ला रहे हैं। सारी भैंस इकट्ठा हो जाएंगी, फिर लड़ाई की दिक्कत होती है। हाँ, जो पीछे से आ रही है मुझे मार दी गई। हाँ, जो हमारी भैंस है इसका नाम है कमली, और पीछे से आ रही है काली और हमारी सिंगर चाची। हेलो दोस्तों, प्रणाम, राधे राधे, जय माता दी दोस्तों, और सब फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवाण ब्लॉग में। नमस्कार। मैंने कभी नहीं बोला था। हाँ। ये बेटा मैं घास लेता भी ये हमारी दादी जी क्या कर मे बेटा मैं बहुत बाद मिल लू। हाँ। दादी भी रंग मत हमारी चलो। आलो को थे जाने कल बल लागो दो माता, आलो को गीत लगोना चढ़ो काली। तो अभी हम आ गए यहाँ पे अपने गदेरे में, यहाँ पे पिलाते हैं भैंस को पानी। ये देखो सिंगर चाची की भैंस और हमारी भैंस इकट्ठा ही लाते हैं हम लोग, ये दोनों लड़ाई नहीं करते ना, इसलिए ये भी इनके गोशाओं की तरह है। नहीं लड़ाई, आज उसने पीछे से एक धक्का मार दिया मेरे पे, ये इसकी भैंस जो सिंगर की। हाँ सच में उसको गुस्सा आ गया, मेरे को नहीं ले रहे बल वीडियो में, पता नहीं क्यों, अभी भी मारेगा ना मेरे को, सोच समझ के। तो यहाँ पे भैंस को पानी पिलाने की जगह है, और नीचे है खाली जहाँ पे भैंस को नहलाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ देखो हमारे गाँव की भैंसों के ना मजे हैं, एक भैंस वहाँ नीचे छपोड़ रहे हैं चाची काली को, और यहाँ पे मम्मी अब हमारी भैंस को छपोड़ रही है। छपोड़ा चाहे जितना भी छपोड़ो, फिर भी इनको गर्मी होती है, पता नहीं क्या। हाँ, इनको बार मास छपोड़ते ही रहते हैं। क्योंकि हमारे गांव में पानी की कमी तो है नहीं, तो खूब नहलाते रहते हैं भैंसों को, नहलाते हैं इनको। हाँ, पहले नीचे पे थोड़ा गंदा पानी है ना, तो उससे छपोड़ते हैं, फिर यहाँ पे साफ पानी से यहाँ पे नहलाते हैं। हाँ, उसके बाद ले जाते हैं इनको गौशाला में। तो दोस्तों अभी हम गौशाला से आगे हैं, और आप पीछे देख रहे होंगे मम्मी यहाँ पे कुछ फोटोज़ देख रही हैं। तो आज मैं अंदर सफाई कर रही थी ना, मुझे कुछ फ़ोटो मिली अलमारी में, मतलब पापा की फ़ोटो है, उसमें पापा दूल्हे राजा बने हुए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं मेरे पापा, और चाचा लोग भी हैं उसमें छोटे छोटे, इतने प्यारे लग रहे हैं ना सबके सब। बस मम्मी की नहीं मिली यार मुझे दुल्हन वाली, मैं देखना चाहती थी कि मम्मी कैसी लग रही है दुल्हन के जोड़े में, जोड़ा तो क्या ही होना उस टाइम, बस साड़ी पहनते थे, घूंघट डालते थे, और भी पुरानी पुरानी फ़ोटो है मम्मी की, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मम्मी भी यहाँ पे फोटोज देख रही है, सबसे पहले तो हमारे पापा की फोटो दिखाओ। दोस्तों ये देखो इसके पापा की फोटो, ये देखो मेरे पापा जी दुल्हे राजा दिख रहे होंगे आपको, अगल बगल सब चाचा लोग हैं, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं यार मेरे पापा सही में। ये पकड़ो और फोटो भी दिखाते हैं, लग रहे हैं बोल रही है, लग रहे हैं मेरे को तो प्यारे लग रहे हैं मुंडन के टाइम की, और वो दिखाओ पहले अपनी वाली भी दिखाओ। ये देखो अनमोल, उस टाइम उसका चूड़ा कर्म संस्कार हो रहा था, उस टाइम की मोनिका को देखो, मेरी फोटो देखो यार मैं कितनी फनी लग रही हूँ। ये मेरा भाई है, ये वाला सोनू इसका नाम है, ये मेरा अपना भाई अनमोल, और ये हूँ मैं, देखो कैसे चंपू सी लग रहे हैं। और ये जब मैं वहाँ गई थी, क्या बोलते उसको, नंदा देवी रात जात हो रही थी वहाँ पे। हाँ। वहाँ गई थी अपनी बहन के ससुराल, कितनी हीरोइन लग रही भाई। हाँ। मम्मी सही में, और फोटो भी दिखा, ये अनमोल की है, ये अनमोल की फोटो देखो कितना गोलू मोलू सा था। हाँ। ये मुंडन की अनमोल की उसी टाइम की, उसी टाइम की। ये दादी है अनमोल के साथ, ये है हमारी दादी, मैं बहुत बार जिक्र करती रहती हूँ अपनी दादी का, तो ये है मेरी दादी जी। अरे अनमोल को नहला के कपड़े पहना रहे हैं। कितना रो रहा था उस दिन मुझे अभी भी याद है, इतना मुश्किल हो गया था इसको चुप कराना ना, ये रोते टाइम की। मेरे पापा पीछे से,
ये भी अनमोल वो वाली दिखाओ यार जिसकी मैं बात कर रही हूँ, मम्मी की मम्मी उसमें ऐसी हीरोइन बनी हुई ना, ये देखो दोस्तों ये ब्लैक वाले कपड़ों में हूँ मैं, ये देखो। अरे ये साथ में मेरी सहेली, इसी टाइम पे मेरी शादी हुई थी तो आपको पता होगा 16-17 साल में मेरी शादी हो गई थी। हाँ। उस टाइम की फोटो दिखा ना उनको, ढंग से दिखा, ये लो ढंग से देख लो, ढंग से देख लो, ऐसी अंग्रेजन थी मैं। हाँ, कितनी गोरी लग रही यार मम्मी, ये खिंचा चाहिए कैमरा यार, रुद्र पे खिंचवाते थे हम फोटो ना, तैयार भी थे कौन सा। हाँ वही कपड़े बदलते थे, वही तैयार होते थे दोस्त। अरे कितना शौक रहता था उस टाइम, फोन नहीं हुआ करते थे ना, तो तैयार होके कपड़े कुपड़े वही ले जाने थे, फोटो खींचने का मतलब इतना शौक रहता था मम्मी को, पहले से ही बहुत शौक था। अब तो खैर मैं खींच लेती हूँ मम्मी की फोटो वोटो, तो कुछ फोटो थी हमारे पास और भी बहुत सारी है, एल्बम है अनमोल का उस टाइम का जब अनमोल का चूड़ाकर्म संस्कार हुआ था, तो दिखाऊंगी मैं कभी इत्मीनान से अगर टाइम मिलेगा, अगर आप लोग चाहते हो। दुल्हन वाली फोटो भी मिल गई तो वो भी दिखाऊंगी। हाँ दुल्हन वाली भी दिखाएंगे मम्मी की। दुल्हन क्या होना था उस समय हमें अकल नहीं थी, कुछ नहीं थी, बस शादी करनी थी। हाँ। ये पता भी नहीं था शादी क्या होती है क्या। हाँ। नहीं होती, आजकल के जमाने में तो लोग पहले मिलते जुलते हैं सब कुछ, हम तो कुछ ऐसे थे नहीं। तो अगर मम्मी की फोटो मिलेगी ना तो मैं आपको मम्मी की फोटो भी दिखाऊंगी, और सारी बहुत सारी फोटोज है हमारी, मतलब मेरी तो कम कम ही है बचपन की फोटो, अनमोल की बहुत सारी हैं, अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो आप लोगों को भी जरूर दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी दिन के खाने की तैयारी भी होने लगी है, और दिन के खाने में आज मैंने भात और अरहर की दाल बना रखी है, और साथ में देख सकते हो आप घर की दही का कटोरा है जो कि मेरा फेवरेट है, तो आप लोग भी जरूर बताना कि घर की दही किस किस को पसंद है। दोस्तों अभी दिन के लगभग 2:30 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं कौथी देखने के लिए, कौथी देखने जा रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पे देखो अखरोट का कितना बड़ा पेड़ है। हाँ ये देखो अखरोट का इतना बड़ा पेड़ है, और यहाँ पे चाची लोग सब आ गए हैं कौथी देखने के लिए, और यहाँ पे हमारी चाय वाली चाची। हेलो दोस्तों सबको मेरा प्रणाम। आप लोग भी आ जाओ यहाँ पर, इस गांव में तो हमेशा कौथी कौथी। हाँ कौथी कौथी। तो अभी हम जा रहे हैं चकली वाले क्षेत्र में, ये हमारी धीरे बोलने वाली। हेलो दोस्तों नमस्ते प्रणाम, आप सभी को अच्छे होंगे, आप भी बहुत अच्छे हैं, हम फिर जा रहे हैं गडेरा देखने। तो दोस्तों हम इतने खुश नसीब हैं, शुक्र करो भगवान का जो हमारा ससुराल इधर हुआ, बहुत कौथी होते हैं यहाँ। लोग बोल रहे कौथी क्यों बोल रहे, बोले हमारे यहाँ नहीं बोलते, बोलते हमारे यहाँ तो बोलते, हमारे यहाँ कौथी बोलते हैं, तो फिर हम क्या बोले कौथी मेले को बोलते हैं। नहीं नहीं मेला देवताओं का मेला, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ मेला। हाँ, समझो सही बात है, प्रकार प्रकार के देवता का मिलन हो रहा था, मेला नहीं हुआ। हाँ, तो सब जगह की अलग अलग भाषा होती है, हमारे यहाँ ऐसे ही बोलते हैं, पहले से ही कौथी बोलते हैं, तो हम लोगों को भी मतलब कौथी आता है बोलने के लिए मुंह में बार बार, क्योंकि दादी लोग पहले से सब कौथी कौथी जैसे, बोलते हैं। जैसे दोस्तों हमारे मायके में बोलते हैं ये खजान वो खजान, यहाँ बोलते हैं तखजान या खजान, ऐसे नहीं बोलते हमारे यहाँ, वो खजान बोलते। अलग अलग भाषा होती है अलग अलग क्षेत्र की। दोस्तों अभी हम कौथी देख के आ गए हैं, और कौथी घर आ गया है, काफी टाइम मैं ऐसे बोलती हूँ कि कौथी खत्म हो गया, तो काफी लोग घर आ गया है, आप लोग भी सिखाते रहते हो हमें बहुत सारी चीजें जो मुझे नहीं आती हैं, तो आज से मैं खत्म नहीं बोलूंगी। हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं आप। हाँ, लोग जहाँ पे गलतियाँ होती है बताते रहते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों की वजह से। हम बिल्कुल सही बात है, रोज कौथी देख रहे हैं, यही काम है हमारा। नहीं नहीं सुबह तो हम घास लाने थे। हाँ अब चलते हैं घर की तरफ, पूरी टीम यहाँ पे कुछ चले गए हैं, कुछ लोग आ रहे हैं अभी, चाहते हैं अभी हम चकली वाले क्षेत्र में हैं, जहाँ पे अभी हमें यहाँ के लिए चकली बोलते हैं, मुन्नारी भी बोलते हैं, मुन्नारी बोलते हैं यहाँ पे, बोलते हैं। तो दोस्तों अभी हम अपने धारे में आ रखे हैं, मुन्नारी के धारे में, तो यहाँ के लिए मुन्नारी का धारा बोलते हैं। मुन्नारी का धारा है, गौमुख धारा है दोस्तों। हाँ। जो कि ये पानी है इसे निकलता है, इसे इसका स्रोत है, और इतना अच्छा पानी, स्वादिष्ट पानी की। हाँ। क्या बताएं दोस्तों, और... कभी आप लोग भी आना इस पानी को पीने, और ये पानी नहीं लगे और ये पानी दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं। मैं ये कह रही थी कि ये पानी आज का नहीं है, बहुत सालों पुराना पानी है ये, पुराना जब हमारी शादी हुई थी, पता नहीं हमारे दादी लोगों के टाइम से, दादी परदादी। और यहाँ पे कपड़े धोने के लिए बना रखे हैं, यहाँ पे हमारे चाची लोग कपड़े धो रहे हैं। दोस्तों इतनी मजा आई आपका कपड़े धोने की। हाँ। सर्दियों में गर्म पानी रहता है। हाँ। जैसे गर्म आते हैं वैसे ठंडा हो जाता है। हाँ। इतना अच्छा गांव है हमारा, यही तो बात है पहाड़ का, हमारा अच्छा है। पर इसको कमेंट में जरूर बताना, ये बहुत सोती रहती है सारे दिन। मैंने डॉक्टर के पास पूछा, मेरे को नींद, वो डॉक्टर हंसने लगा मेरे पे, लोग नींद की गोलियां खा रहे हैं, तो उसमें क्या नहीं आनी चाहिए, अच्छी बात है नींद, सारे दिन साले से कुंभकर्ण भी पीछे छोड़ दिया। आप लोगों का गाँव इतना अच्छा नहीं होगा, भी किसी का भी होगा, अपना अपना गाँव सबके लिए अच्छा है, हमारे में कभी इतना अच्छा नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है, पर ऐसे कपड़े धोने के लिए अच्छा नहीं है, हर घर में कपड़े धोने पड़ते हैं, बहुत अच्छा है, याद हो जाता है।
दिल्ली गई थी, बंबई गई थी, मैका जाती हूँ, फिर अपना मैका मैका ही होता है, फिर यहाँ की याद आती है ससुराल की। माँ तेरे को देवर जी की याद गई। ये सब लोग जितने भी है ना अपने ससुराल से बहुत खुश है। नहीं, हम तो बहुत खुश है, यहाँ का गाँव बहुत अच्छा है। ठीक है चाची, बाय बाय। आप धो कपड़े, ठीक है? आप सब लोगों को मेरा फिर से पढ़ना। हाँ, फिर से बाय बाय। फिर से बाय बाय। हाँ, मिलते हैं फिर, ठीक है? ठीक है। तो दोस्तों अभी सब लोग हमारे घर पे आ गए यहाँ पे बैठने के लिए, और ये देखो टफी भी आ गया हमारे साथ यहाँ पे, मेरी गोदी में है दोस्तों। हाँ, और माही भी आ रखी है हमारे घर पे। हेलो, घर में देखा फोन पर। वाह, माही डेली हमारी वीडियो देखती रहती है, और ये किस कैसे कर रहे हैं इसको देख के, कौन आ गया हमारे घर पे आज काटने को कर रहे हैं। हाँ, छोड़ छोड़, जान बिछवाते हैं। एक काट ले आज, काट ले आज ये। तो यहाँ पे बैठ रखी है पूरी टीम। तो दोस्तों यहाँ पे माई जा रही है ना चाची की गोद में, तो ट्रॉफी कैसे कर रहा है उसको, ये देखो उसको आने ही नहीं दे रहा, कह रहा है कि मैं ही बैठूंगा यहाँ पे। हाँ, मम्मी की गोदी में जा रही ना वो, तो कुछ नहीं कर रहा वो, अब कुछ नहीं करेगा वो, देखो मम्मी के पास जा ही नहीं रहा वो। अभी चाची की गोद में बैठ बैठ बैठ, ये देख वो देखो, बहुत जेलस हो रहा है कि तूने नहीं बैठना था गोदी में, मैंने बैठना ये चीजा बैठ। अच्छा, आप बैठी आओ। तो दोस्तों अभी हमारे रात के खाने की तैयारी भी शुरू हो गई है, और पीछे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अंगेठी पे आग जला रखी है, और शीतल अपनी ड्यूटी पूरी कर रही है रोटी बनाने की, और अभी मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी है यानी कि सब्जी बनानी है। वैसे तो मैं पहले ही बना देती ज़्यादा, लेकिन आज मुझे थोड़ा लेट हो गया है, तो मैं दिखाती हूँ आज हमारे घर में कौन सी रोटी बन रही है। ये देखो हमारी रोटी मास्टर। हेलो दोस्तों, रोटी खाने आ जाओ, कोदे की रोटी। हाँ, प्रॉपर कोदे की तो नहीं है, रलो की रोटी है, तो आप लोग मिस कर रहे होंगे। रोटी दिखा दो अपनी गोल गोल। अभी रोटी, ये रोटी फूली नहीं, इसने थोड़ा बेस्ती करवा दी मेरी। ये इसकी असली है। तो रोलो रोटी बन रही है आज हमारे घर में, तो आप लोग भी चूल्हे की रोटी बहुत ज्यादा मिस करते होंगे, तो आ जाओ चूल्हे की रोटी खाने। और मम्मी भी यहाँ पे लगी हुई है दौड़ भाग करने पे। तो दौड़ भाग होता ही है, मैं भी काम कर रही हूँ, मेरा तो काम ही खत्म नहीं होता साले, पता सोने नहीं सोने तक सोने सोने तक मेरे बच्चों को भी पता है। हाँ। काम ही करती रहूंगी, काम कम और फपराट मेरा ज्यादा रहता। सही बात है, जब बोला नहीं त्योल कम तिबड़ाट ज्यादा, तो वही सीन है मेरी मम्मी का भी, काम कम करेगी, अंदर बाहर अंदर भाग बाहर भागना मतलब ज्यादा होगा, तो इतनी बार बोलती हूँ मम्मी को यार बैठो थोड़ा। आप लोगों की मम्मी भी ऐसी करती होगी, जरूर बताना मुझे, भागना खूब के इधर उधर भागो, थोड़ा मोटापा भी कम हो जाएगा। हाँ, पर हो ही नहीं रहा, धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे होगा। सही बात नहीं हो रहा तो क्या है। हाँ, फुर्ती तो है शरीर में कम से कम। हाँ, अगर कोई मोटा होता है, उठ नहीं पाता, चल नहीं पाता, उसके लिए दिक्कत। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, मम्मी तो पूरा काम करती है, और इधर उधर फर लगे हुए। सही में पूरा काम भी करती है, मम्मी को देख के कोई नहीं बोलेगा, मतलब लोग बोलते होंगे यार काम कैसे करती होगी, लेकिन मेरी मम्मी ना अच्छे से अच्छे, जो पतले पतले लोग होंगे ना उनसे भी ज्यादा काम करती है मेरी मम्मी। हाँ, तो अभी बोलो। इस रोटी को पता था कि मैं YouTube पे आने वाली हूँ, ये फूल गई। हाँ, ये फूल गई, तभी इसने बोला इधर लगा बल कैमरा, पहले वाली रोटी ने बेइज्जती करा दी ना इसीलिए। तो जल्दी से मैं भी सब्जी बनाती हूँ, उसके बाद रोटी खाते हैं। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे सिवई बना रही हूँ, और मम्मी यहाँ पे मस्त करके रोटी खा रही है। हेलो दोस्तों, आप भी आ जाओ रोटी खाने, मैंने कहा एक रोटी खा लेती हूँ, भूख लग गई मुझे। रोटी किस में खा रही हूँ वो दिखाती हूँ मैं आपको। खा रही हूँ मैं मक्खन में, नोण का मक्खन है, शुद्ध अच्छा वाला, नोण भी बोलते हैं, नोण भी बोलते हैं हमारे गढ़वाल में, इसको नोण बोलते हैं दोस्तों। तो कोदे की रोटी के साथ जो गढ़वाली होंगे उनको पता होगा कितनी स्वादिष्ट होती है। और क्या बोलते हैं, कोदे की रोटी तो काली नहीं दिखाई दे रही होगी, ये रोलो है ना, मतलब इसमें गेहूँ ज्यादा है। तो पहले जब कोदे की रोटी बनाते इतनी काली रहती थी, बहुत काली, और अब तो कहाँ खाली, सिर्फ नाम का कोदा है, उसमें गेहूँ ज्यादा मिला रहे हैं, पहले कोदा है ही कहाँ, हो ही नहीं रहा है, बड़ी मुश्किल से। तो आप लोग भी आ जाओ मक्खन के साथ कोदे की रोटी खाने, बहुत ही टेस्टी, बहुत टेस्टी होती है। और आप जितने भी गढ़वाली हैं बहुत मिस करोगे, ये वीडियो देखोगे तो आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा, तो क्या करना, मैंने तो खाने खाण चो, मैंने तुम तो कॉबिट दी। मम्मी को भूख लगी थी, मम्मी ने कहा तब तक मैं एक रोटी खा लेती हूं, रोटी खान मत रहो, क्या खानता है ना, बोला कि सही बात है। और यहाँ पे चूल्हे में मस्त करके हमारी सिवई बन रही है, तो चूल्हे में ना सिवई का टेस्ट अलग ही आता है, गैस में उतना नहीं आता। हर टेस्ट अलग ही होता है बेटा, वो तो आपको गैस जलाने की आदत है। अच्छा, ना? आप बोलोगे कितनी बार बोल रही है, रिंग रंगी माफी है, तो गैस ही पाती हूँ, मुझे सख्त नफरत है, गैस में मत बनाओ, हमारी लकड़ियां हैं बेटा, लकड़ी में बनाओ। अच्छा चलो ठीक है, मम्मी का कहना माना जाएगा, और साथ साथ में आज के ब्लॉग को एंड कर दें, बॉस वो फेरा रिंग रंगी है, रिंग रंगी एंड कर दें ब्लॉग को।
कर देते हैं। चलो करो फिर एकदम से। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, पसंद तो आपको हमेशा ही आती है, मेरे को पता है, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो पसंद आती है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट दोस्तों, अपना ख्याल रखना, बाय बाय बाय।